फाइनली जस्ट माना का ईपी का ऑल ट्रैक्स आउट नाउ हो चुका है, जाओ स्पॉटिफाई पे सुनो। बट मेरा फेवरेट गाना है तेरा की जाना, एंड इसी गाने के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक जो लिरिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा लव टाइप का है, सो बेसिकली जो लवर्स नहीं है उनको शायद ही समझ आए। तो बेसिकली लिरिक्स सुन के लगता है कि भाई हमको जसमाना का कम बैक हो चुका है, एंड जसमाना कोल्ड जैसे गाने बनाने लग गया। तो आपको बता देते हैं ये जो लिरिक्स है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, एंड पहले की तरह किसी भी सॉन्ग से जसमाना के पुराने गाने से नहीं मिलता है ये लिरिक्स। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा काइंड है एंड लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा डीप है। बाकी जब ये गाना मैंने सुना तो मेरे को एक और गाने की याद आ गई जिसकी जो लिरिक्स है वो सेम टू सेम लग रही थी, आई थिंक इंस्पायरिंग हो सकती है, दिखाते हैं आपको। तेरा की जाना सब कुछ जाना है मेरा लेना ता कहना नहीं असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड तेरा की जाना एंड नैना दा की कहना, आई थिंक जसमानक ने कहीं ना कहीं हेल्प लिया होगा इस गाने की दो लाइन से, बिकॉज दोनों गाने का जो लाइन है वो डिफरेंट है, बट हाँ दोनों गाने की जो राइमिंग है वो सेम हमको लगती है। बट अगर आप तेरा की जाना करके इस गाने को सुनोगे इस लाइन को, तो कहीं ना कहीं आपको दिलजीत दोसांझ का नैना दा की कहना ये वाला लाइन आपको कहीं ना कहीं याद आ सकता है, आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये गाना सुना है ऐसा करके। बट हाँ दोनों गाने डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं हेल्प लिया होगा जसमानक ने इन लाइन से। तेरा की जाना सब कुछ जाना है मेरा क्योंकि मेरा ही लगा सब कुछ दाते। जसमानक किस लाइन पे बोलते हैं भाई कि तेरा की जाना सब कुछ जाना है मेरा क्योंकि सब लगा है मेरा ही दाव पे। बेसिकली ये लाइन बहुत ही ज़्यादा गहरा है एंड बेसिकली लवर्स के लिए ही है। सो बेसिकली मेरे को अभी समझ आ रही है कि भाई जसमानक ओनली फॉर लवर्स क्यों बोल रहे थे, बिकॉज जो भी लिरिक्स है वो किसी दूसरे सॉन्ग की तरह नहीं है, जो भी वर्ड है वो एकदम रिफ्रेश है, फ्रेश है, जो कि लिरिक्स ओनली फॉर लवर्स के लिए बनाई है जस ने। दस जावे मेते कमली जाए ते जग रहु हस दावे पैजू। इसलिए अगर म्यूजिक की बात किया जाए तो ये ऐसा म्यूजिक जसमानक ने पहले भी अपने गानों में यूज कर चुका है। बेसिकली टॉर सॉन्ग सुना होगा जिसका म्यूजिक जो ऐसा ही कुछ टाइप का था, जिसका म्यूजिक इक्की ने किया था, एंड इस गाने का जो म्यूजिक है ओनली फॉर जसमानक। एंड भाई लिरिक्स आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा काइंड है, गाना का वाइब भी बहुत ही ज्यादा है, देखो जाके।